अस्सलाम वालेकुम अलमेकमरीवन कैसे हैं आप लोग आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी का एम सी क्यू सीरीज स्टार्ट की है मैंने पाँच सौ एम सी क्यूज आपके आपके लिए लेकर कर आऊँगा मैं चलो शुरू करता अपना थर्टी वन कोश्चन इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं थर्टी क्वेश्चन थे अब थर्टी वन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आइडेंटीफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब आपने बताना अकाउंटिंग प्रोसेस सीक्वेंस के हिसाब से आपने बताने पहले क्या होता है फिर क्या होता है फिर क्या होता है कम्युनिकेटिंग रिकॉर्डिंग आइडेंटीफाइंग रिकॉर्डिंग कम्युनिकेटिंग आइडेंटिफाइंग आइडेंटीफाइंग कम्युनिकेटिंग रिकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा बेसर क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार चुका था यह क्वेश्चन पीडब्ल्यू में पहले आप आइडेंटीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं फिर कम्युनिकेट करते हैं आपस में फिर जाके आप क्लासीफाइंग वगैरह सामोराजिंग करते हैं तो इसका आंसर है डी पार्ट डी पार्ट इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बुक कीपिंग मैनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बुक कीपिंग में का मतलब इनमें से कौन सा पार्ट शामिल है एनालाइजिंग प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ऑडिटिंग द बुक अकाउंट्स मतलब बुक कीपिंग मैनली मतलब क्या होती है दैट इज कॉ रिकॉडिंग फाइनेशल इनफार्मेश बुक कीपिंग यह रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल इनफार्मेशन सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है बुकी कीप रॉडिंग फाइनेंशल ट्रांजेक्शन पार्ट ऑफ दफ अंटिंग इन बजनेस बुक की अफियर मै द रिकॉर्ड कीपिंगशल एकाउंटिंग प्रपेरिंग सोर्स डॉक्ट फ्रॉ ट्रांजेक्शन ऑपरेशन अदर एलिमेंट ऑफ बिजनेस ऑडिटिंग रेफर्स टू ऑडिटिंग क्या होती है मतलब किसी ट्रांजेशन को आप ऑडिट करते हो उसका मतलब क्या होता है रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या पर्परेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मैंटेनिंग द लेजर अकाउंट ऑडिट मतलब चेक करना एग्जामिन करना किसी भी इंफॉमेशन को तो इसका आंसर है बी पार्ट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं एक्सटर्नल यूज ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सटर्नल यूजर कौन सा है इसमें से मैनेजर ऑफ़ द बिजनेस सी ओफ द बिजनेस ऑफ द बिजनेस या कंट्रोलर ऑफ़ द बिजनेस ठीक है आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कीजिएगा मैनेजर ऑफ़ द बिजनेस ये इंटरनल होगा सी ओ आफ द बिजन ये भी इंटरनल होगा क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ये एक्सटर्नल यूजर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस जो बिजनेस को कंट्रोल करता है ये भी इंटरनल होगा लेकिन जो क्रेडिटर है जिसको पैसे देने मतलब क्रडक्टर है कंपनी mm, का वो बिल्कुल एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनैसल स्टेटमेंट हू तो इसका आंसर अच्छा है सी पाट कर द बिजनेस इज द एक्सटर्नल यूज ऑफ फाइनेंशल स्टेटमेंट एक्सटर्नल यूजर्स आर पीपल आउटसाइड आउट साइड दिजनस ऑर्गेनाइजेशन हु यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बतानी है क्रेडिकटर ऑफ द बिजनेस ये तो गवर्नमेंट एजेंसी ये भी शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस मैनेजर ऑफ़ द बिजनेस तो इसका आंसर है डी पार्ट मैनेजर ऑफ़ द बिजनेस ये इंटरनल यूजर होगा डी पार्ट इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डैश डैच इज़ फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला साइकिल क्या होता है सबसे पहला फेज क्या होता है अकाउंटिंग का अगर आपने अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन पहले आप इवेंट या ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे या पहले आप चैनल बनाएंगे या पहले आप इंट्रीज लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे या पहले आप डिसीजन लेंगे बिजनेस के बारे में ठीक है अगर आपको आता है अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर कीजिएगा तो इसका आंसर है बिल्कुल आप पहले कोई भी इवेंट आप करने जा रहे हैं कोई भी ट्रांजेक्शन आप करने जा रहे हैं तो पहले आप उस ट्रांजेक्शन को उस इवेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक है मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इवेंट जो होने जा रहा है या ट्रांजेक्शन जो होने जा रही है क्या बिल्कुल ठीक है बिजनेस के लिए दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफाई फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट इज ए पॉइंट इज करेक्ट आंसर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दैट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइड इंटू मैनी शेयर्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं जिसका कैपिटल टोटल कैपिटल बाकी में शेयर किया जाता है डिवाइड इंटू मैनी शेयर्स पार्टनरशिप सोल प्रॉपर्टीशिप कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या पार्टनरशिप में शेयर्स डिवाइड होते हैं सोल प्रॉपर्टरशिप मतलब एक ही अकेला ओनर होता है कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आंसर कीजिएगा तो इसका आंसर होता है कंपनी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉज़ होते, है, होते हैं मैनेजर्स होते हैं इसमें शेयर डिवाइड होता है दैट इज़ कॉल्ड सी पॉट करेक्ट आंसर एंड एसेट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट क्या होता है आपने बताया मतलब एसेट क्या हमें देता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बिजनेस वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देता है आगे बिजनेस में ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस सब तरह के बेनिफिट्स बिजनेस को देते हैं एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस बिजनेस को एक्सपेंस भी देते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स फॉर द बिजनेस मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बिजनेस को देते हैं तो आपने आंसर बताना है, तो आंसर है इसका ये पार्ट बिल्कुल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर आपके पास ऐसा अगर आपके पास एसेट है तो आपकी मतलब आपके लिए वो बेनिफिट है आपके पास एसेट है वो आपकी प्रॉपर्टी होगी न कि मेरिट या डे मेरिटस हो सकते हैं लेकिन डेमेरिट्स नहीं होते हैं एक्सपेंसिस फॉर द बिजनेस वो अलग तरह के लॉस होते हैं लेकिन आपने बताया एसेट्स एसेट्स आपके लिए फ्यूचर बेनिफिट्स हैं सिंपली ये पार्ट इसका आंसर है एंड एसेट पॉस फ्यूचर इकोनॉमिक इकोमिकेनिफिट फॉर द बिजनेस एंड एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू एसेट एक रिसोर्स होता है जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है कंट्री या कॉपरेशन या ओनर के लिए जिसके पास होगा एसेट उसके लिए फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा फ्यूचर बेनिफिट लाइबिलिटीज़ और विच ऑफ द फॉलोइंग आपने बताना कि इनमें से लाइबिलिटी लाइबिलटीज़ क्या होते हैं मतलब रिसोर्स ओब्लीशन फ्यूचर बेनीफि एक्सपेंस फ्यूचर बेनिफि तो एसेट है अभी पढ़ा आपने ओब्लीशन रिसोज एक्सपेंसिस आंसर क्या है इसका आंसर है बी पार्ट ओब्लीशनस होते हैं लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज आर डिफाइन कंपनीज लीगल आप सिंपली याद रखना है लाइबिलटी मतलब कर्ज़ वो जो मतलब अगर आपको कर्ज़ है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है सिंपली आपने याद रखना है इसीलिए लाइबिलटीज़ हो गए ओब्लिकेशन तो वो ऑब्लिकेशन है आपके लिए लाइबलिटीज़ आर डिफाइंड एज कंपनीज लीगल फाइनेंशियल स्टेटस मतलब कर्ज़ और ओब्लिकेशन दट अराइज द दर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन के द्वारा जो लाइबिलटी अराइज़ होती है जो कर्ज होता है बिजनेस को मतलब संभालने बिजनेस को बिजनेस बिजनेस को ओपन करने में मतलब कि आपने कुछ इन्वेस्ट करना है आपके पास पैसे पैसे कम पड़े किससे आपने लिए पैसे फिर उसको वापस देने है, मतलब एक तरह की लाइबिलिटी आपकी राइज हो गई क्वेश्चन नंबर फोर्टी डेज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट इस लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए मतलब उनमें से कौन अच्छा है एसेट लाइबिलिटीज़ इनकम एक्सपेंसिस तो इनकम अगर आपके पास इनकम आ रहा है तो वो ग्रॉस इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इनकम इनकम इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकॉनॉमिक बेिफिट जूरिंग द पीरियड एराइजिंग फ्राम द कोर्स ऑफ ऑर्डनेरी बहुत सारे मतलब एस्परेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे लेकिन इनकम आपने बताना ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफि वो इनकम है बिल्कुल इनकम फ्यूचर फ्यूचर के लिए बेनिफिट के लिए एसेट्स है लेकिन इनकम आपके लिए ग्रॉस इनफ्लो आपने पढ़ना है वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफि दैट इज़ इनकम इनकम इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोटी वन एन एसट मस्ट द बिजनेस टू बी शोन ऑन एन एसेट इन इट्स बैलेंस शीट एसेट क्या होना चाहिए जो बिजनेस में जो बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में शो करते हैं एसेट वो क्या होना चाहिए प्रोसेसड ओनड कंट्रोल्ड यूजड मतलब ऐसे एसेट जो मतलब प्रोसेस में है या याड जो मतलब जो आपके हैं जो आप मतलब जो आपके आप हैं और कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में है या used, जो यूज किए गए मतलब यूज यूजड मतलब यूज़ किए हुए हैं एसेट्स कौन से एसेट्स होने जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड के एसेट साइड में शो करते हैं कौन से एसेट होने चाहिए चाहे वो प्रसड हो कंट्रोल हो बिल्कुल कंट्रोल एसेट होना चाहिए मतलब अपना होना चाहिए अपना कंट्रोल होना चाहिए एसेट एसेट मतलब भी में टू शो एज एन इन बैलेंस शीट आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आप बिल्कुल इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे पहले आप प्रोसेसर को भी टिक कर सकते हैं ऊनड मतलब अपना होना चाहिए कंट्रोल या यूज आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जगह जैसे भी क्वेश्चन मतलब डाल रहे हैं आस कर रहे हैं तो इसका आंसर है सी पार्ट आपका एसेट कंट्रोल होने ताकि तब जाके आप बैलेंस शीट में उसको बैलेंस मतलब एसेट शाइड शो करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस है सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर एसेट्स क्या होना चाहिए जो बिजनेसमैन में बिजनेस में एसेट है उनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉटेंट मतलब पॉइंट क्या होना चाहिए अबाउट एसेट्स लॉन्ग लाइफ एसेट्स एसेट का लॉन्ग लाइफ होना चाहिए या वैल्यू ऑफ एसेट होना चाहिए या ऑफ एसेट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिल्कुल अभी पढ़ा होगा आपने इससे पहले एक दो क्वेश्चन किए होंगे तो इसका आंसर है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर इकानामिक बेनिफिट्स होना चाहिए अगर आपके पास कोई एसेट है फॉर तो एग्जांपल आपने मशीन खरीदा है मशीन फास करो आपकी मशीन पेपर बना रही है वो फ्यूचर बेनिफिट्स देगा आपको क्योंकि वो पेपर आगे फ्यूचर में प्रोवाइड करेगी दैट इज़ कॉल्ड एसेट ऐसा एसेट होना चाहिए जो फ्यूचर बेनिफिट देगा आपको देट इज़ कॉल्ट फ्यूचर बेनिफिट वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एक एसेट के लिए वाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट है एक यूनिट है आपको सिलेबस में उससे ये क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीडब्ल्यू में आया था ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ईजी है लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी गलत भी हो जाता है ऐसे इजी क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा कन मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज टाइप क्वेश्चन है मतलब प्लस माइनस या इजी क्विस्टी में आपको गलत हो सकता है इसलिए जैसे ऐसे क्वेश्चन भी डालते हैं कैपिटल प्लस पुलिस टू एसेट पुलिस लाइबिलिटी कैपिटल तो आपने आंसर है आपने सिंपली बताना है आपको बताएं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वो किसके बराबर होता है बिल्कुल एसेट्स के बराबर होता है बस ये आपने फाइंड करना है से आपने बताना कि लाइबिलिटी कौन सी लाइब्रिलिटी जो आपके लिए कर्ज है बिल्कुल वही याद रखना उसी को माइंड में लेके आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा कैश अगर आपके पास कैश है क्या वो कर्ज है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अगर आपके पास सामान है क्या आपके लिए लाइब्रेटी है बिल्कुल नहीं डेबर्स डेटर्स डेटर्स मतलब जो जिसने आप जिससे मतलब जिन्होंने आपसे पैसे लिए मतलब वो आपकी कर्जदार हो गई दैट इज कॉल डेटर्स वो की कर्जदार हो गई मतलब उनसे आपने पैसे लेने वो आप मतलब वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है बिल्कुल वो आपके लिए इनकम है वो आपके लिए एसेट है डेटर्स इज क्रेडिटर्स जिनको आपने पैसे देने दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स जिनको आपने पैसे देने दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने पैसे लिए हैं अब आपने उनको वापस करना है दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स इसलिए क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है टू होम बिजनेस में यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं वट इज़ इक्विटी इक्विटी मतलब कैपिटल कैपिटल क्या होता है कैश फ्रॉम द बिजनेस लाइबिलिटी द बिजनेस ओनर्स ओनर्स क्लेम क्लेम टोटल एसेट्स या ऊनर्स टोटल लाइबिलिटीज शाबाश आंसर कीजिए कैपिटल क्या होता है ओनर्स के लैम टोटल एसेट्स ओनर के लैमान टोटल एसेट्स जो टोटल एसेट्स है ओनर्स उनका क्लेम करता है कि उसके एसेट्स या उनके एसेट्स है दैट इज कॉल्ड इक्विटी वो उनका कैपिटल है बिजनेस में जो लगा है ओनर कलेम है टोटल इक्विटी टोटल क्लेम्सूड लाइबिलिटी चाहे वो हो जनरल लाइबिलीट होल बिजनेस और बट हैज नॉट येट पेड एज वेल एज ओनर द वैल्यू आपसे एक्सपेषन पढ़ सकते हैं आइडेंटीफाई एसेट का मतलब फॉलो अपने इसमें से एसेट बताना ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो अकाउंट असटेंट मतलब डिफरेंट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में तो ये क्वेश्चन आया था आपने बताना था कैश एंड कैश इक्वलेंट क्या ये एसेट है क्रेडिटर्स नोट पेबल बैंक लोन सिंपल क्वेश्चन है तो इसका मतलब आंसर है कैश कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज द विद्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज अगर आप कोई भी कैश बिजनेस मैन पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है तो उसे क्या कहते हैं दट इज कॉल्ड ड्राइविंग ड्राउिंग इज करेक्ट आंसर आई हो क्वेश्चन पी डब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन जो बिजनेस मैन निकालता है पर्सनल यूज के लिए वो उसने ड्राविंग निकाली दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग ड्राइविंग ऑफ कैश गुड्स बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फॉर इट पर्सनल यूज बाकी आप आंसर से पढ़ सकते हैं नेट लॉस ओकर्स नेट लॉस आपके पास कब आता है फॉर आपने कोई बिजनेस खोला अब आपको लॉस आया नेट लॉस कब आएगा नेट लॉस जब आपके खर्च ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सौ रुपया है सौ रुपया है आपने खर्च किया एक सौ दस रुपया इनकम क्या आपके पास सौ रुपया लेकिन खर्च कितना किया एक सौ दस रुपये आपने खर्च किया एक सौ दस रुपये मतलब जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा किस पे इनकम पे दैट कॉल्ड नेट लॉस ऊपर फिर होगा एक्सपेंसिस ग्रेटर देन इनकम एक पार्ड का आंसर है

गेन और लॉस रिकॉर्ड करते हैं डेट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट मशीनरी अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट या रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट एक एसेट है या रियल अकाउंट हो गया बिल्डिंग अकाउंट ये भी रियल अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट या रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट अकाउंट आ गया तो नॉमिनल अकाउंट है बिल्कुल ये नामिनल अकाउंट है फिफ्टी इसका आंसर है डी इसका आंसर है सॉरी ये तो फॉर अकाउंट के अंदर लास्ट एज ए रियल अकाउंट आपने बताना है रियल अकाउंट कौन सा है इसमें रेंट एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस आपके लिए, लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया रेंट इनकम है जा रेंट इनकम चाहे इनकम गेन वो तो नॉमिनल अकाउंट हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट या कैश अकाउंट कैश अकाउंट मतलब जो आपके लिए एसेट है वो रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा कैश आपके लिए एसेट है तो ये रियल अकाउंट है ये पार्ट इसका आंसर है कैपिटल इंक्रीज इफ कैपिटल कब इंक्रीज होगा जब इंक्रीज क्या होगा एक्सपेंसिस ग्रेटर दैन इनकम या ड्राउिंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब या रेवेन्यू कैपिटल इनक्रीज़ कब होगा जब रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ होगा फॉर फॉर एक्ज़ाम्पल ओनर ने दस हज़ार इन्वेस्ट किए वो ऊन की कैपिटल थी बिजनेस में दस हज़ार इन्वेस्ट किए अब रेवेन्यू भी रेवेन्यू भी एक हज़ार बढ़ गया रेवेन्यू इंक्रीज हो गया एक हज़ार ये इसमें ऐड होगा ना कैपिटल में अब कितना आ रहा है कैपिटल तेरह हज़ार इसलिए जब रेवेन्यू एड होगा रिवेन्यू आएगा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल खुद ब खुद इंक्रीज होगी तो इसका आंसर है रेवन्यू डी पार्ट कैप्टिल इंक्रीज इफ रिवे्यू इंक्रीज द एक्सटेंड टू विच एन इंक्रीज इन रिवेन्यू आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कैपिटल ऑफ बिजनेस डिक्रीज इफ़ दियर इज एन इंक्रीज इन डिक्रीज कब होगा ड्राविंगस इनकम जब आप कुछ निकालेंगे दैट इज कॉल ए पार्ट इसका आंसर है बिल्कुल फलो ओनर ने दस हज़ार इन्वेस्ट किए बिजनेस में दस हज़ार मतलब कैपिटल थी इसमें से उसने पर्सनल यूज़ के लिए दो हज़ार निकाले जो ड्राॅिंग निकाले ना ये माइनस होता है माइनस होता है कैपिटल में से कैपिटल में से दो हज़ार निकाले बिजनेस मैन ने पर्सनल यूज़ के लिए तो ये माइनस होगा बिल्कुल कितने रह गए आठ हज़ार था तो इसका मतलब है ड्राविंग जब आप करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज़ होगा जब आपके पास रेवन्यू आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा नेट इनकम इक्वल टू रिवेन्यू माइनस नेट इनकम के बराबर होता है इक्वल टू रेवेन्यू को क्या माइनस करेंगे तो हमें पास नेट इनकम आएगा करो सौ रुपया नेट में। वन पास वन हंड्रेड ट्वेंटी आपके पास रेवेन्यू आया इसमें से माइनस क्या करेंगे एक्सपेंसेस तो क्या आया एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट इनकम आएगा नेट इनकम रेवन्यू में से एक्सपेंसिस आपने मतलब रिवेन्यू कितना आया आपके पास और एक्सपेंसिस एक्सपेंस कितना हुआ आपका तो उसको रेवेन्यू में से माइनस करके नेट इनकम आपके पास आएगा तो इसका आंसर है सी पार्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल डेज द एसेट अगर एक्सपेंस की पेमेंट हम करेंगे तो एसेट क्या होगा डिक्रीज रिड्यूस पोर्शन या ओवर स्टेट शाबाज आंसर कीजिएगा तो इसका आंसर है रिड्यूस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिस फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेंस पे किए एसेट डिक्रीज हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कैश आपका एक्सपेंस था दस हज़ार आपने दस हज़ार एक्सपेंस पे किए आपके पास जो कैश था वो डिक्रीज हो जाएगा ना मतलब कैश एक एक तरह की एसेट है आपके पास आपने आपके मतलब आपके लिए कुछ एक्सपेंस थे वो आपने पे किए तो ऑब्वियसली एसेट आपकी डिक्रीज होंगे रिड्यूस मतलब डिक्रीज विद तो द फॉलोइंग एकोनिकेशन इज़ करेक्ट ठीक है बताइए एस एस माइनस कर इसको इधर उधर करके मतलब क्वेश्चन डाला है ऐसे ही क्वेश्चन डाला था डब्ल्यू एम में मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के तो इसका सीपट आंसर है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस विल इंक्रीज अगर हम फ्रेश कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते किसी बिजनेस में तो क्या इंक्रीज़ होगा बिल्कुल एक तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा और साथ में एसेट भी इंक्रीज होगा एसेट शे। एंड लाइबिलिटीज नहीं लाइबिलिटीज़ तो डिक्रीज होंगे लाइबिलिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा जितनी लाइबिलिटीज़ थी वो वैसे कि वैसे रहेगी लाइबिलटी एंड इक्विटी एंड बैंक बैलेंस नो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ नहीं बिल्कुल एसेट एंड इक्विटी इंक्रीज होगा करंट एसट्स माइनस करंट लाइबिलटीज़ किसके बराबर होता है करंट एसट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज किसके बराबर होता है करंट एसेट्स उसमें से आप करंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल के बराबर होता है डी पॉइंट इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज डन टू टाइम्स इन अ इयर वन इन इन इयर जूरिंग पीरियड एट एंड ऑफ बिल्कुल जूरिंग द अकाउंट पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग इन जरल इज डिटली जूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जनरल जरनल द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री और एंट्री सेजनल क्वेश्चन नंबर थर्टी कोशन थे सॉरी अगले सेक्शन में और थर्टी होंगे ऐसे लेकर मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा पाँच सौ क्वेश्चन के सीरीज़ आपके लिए थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करते रहिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है अगर आपको मतलब ये मेरा जो कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा हमें मतलब अपना आंसर की, जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ गॉड ब्लेस यू